भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने चाकू रखने वाले उनके बयान को लेकर FIR दर्ज कर ली है। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक प्रज्ञा के खिलाफ शिवमोगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष HS सुदरेश की शिकायत पर कोटे पुलिस थाने में यह FIR दर्ज की गई है। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ धर्म के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित कई आरोपों से संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है। प्रज्ञा ठाकुर ने 25 दिसंबर को हिंदू जागरण वैदिक नाम के संगठन के कार्यक्रम में यह भड़काऊ बयान दिया था। उसके बाद से ही उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की जा रही थी। प्रज्ञा ठाकुर ने कार्यक्रम में कहा था, उनके वहाँ लव जिहाद की परंपरा है, वह प्यार करते हैं तो इसमें भी जिहाद करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, ईश्वर से प्यार करते हैं और एक सन्यासी अपने ईश्वर से प्यार करता है। प्रज्ञा ठाकुर ने आगे कहा था, अपने घरों में हथियार रखें, अगर और कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज कर लें, कोई नहीं जानता कि कैसी स्थिति आएगी। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि जब हमारी सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह और सिर भी अच्छे से कटेंगे। प्रज्ञा ठाकुर के बयान को सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ माना गया है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज न होने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि यह हेट स्पीच का मामला है और वह इसे सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे। हेट स्पीच या नफरती भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है और इसका उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की बात कही गई है। हाल ही में UP के पूर्व मंत्री आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा स्थानीय कोर्ट ने सुनाई थी और उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले और कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कर्नाटक पुलिस से शिकायत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।